यो धोनी धोनी देख लिया भाई, ओह माय गॉड, तेज लग गया, हाय गूज बम्स। होण कट देने दिन नहीं हो कट दिए रात, रंजा चला तेरे पीछे बस मांगे तेरा साथ। गुड मॉर्निंग गाइज, आज सेकेंड डे है हमारा लीला पैलेस में और हमारे दिन की शुरुआत हुई है आइस थेरेपी से। और एक ये हमें दिया हुआ है ब्रीद करने को, इसमें हमने सांस लेनी है। ये होती है ब्रीदिंग थेरेपी जिससे हमारे की लंग्स खुलते हैं। इनका जो फ्लावर अरेंजमेंट है ना, ये देखो पूरे होटल में जो इन्होंने अपना फ्लावर अरेंजमेंट करा ना, वो ऑसम है, बहुत ही बढ़िया। और हमारे ये टेस्ट हुए हैं, इसमें स्टूल टेस्ट और वो थूक वाला टेस्ट दोनों हो चुके हैं, हमारे दोनों डन हो चुके हैं और मैं बिल्कुल रेडी हूँ क्योंकि अब हमने जाना है डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। और मलन साहब अभी नहा रहे हैं, दोनों मेरे शहजादे भी उठ गए हैं। और ये देखो सुबह के कितने 8 बजे, भाई साहब आज तो क्या ही बात है। ये देखो ये भी मलन साहब, ये तो आपके लिए एक सपना ही होगा, आपका बच्चा सुधर गया, सुबह 8 बजे उठ रहा है, 10 बजे सो रहा है, खा रहा है हेल्दी, और क्या चाहिए आपको, क्या ही चाहिए आपको, क्या ही चाहिए भाई साहब, खाना खाना। मुझे लगा कहेगा थूक थूक का टेस्ट देना भाई, थूक का टेस्ट देना, तुम्हारा दोनों का रहता, हमारा डन हो गया, तो जल्दी करो। ओके हेलो गाइस, तो हम आ गए हैं हॉस्पिटल में, हमारे टेस्ट होने लगे हैं अभी, हमारा सीटी स्कैन, एमआरआई और पता नहीं क्या क्या, एक्सरे, हाँ बहुत सारे टेस्ट होंगे। और टेस्ट के नाम भी नहीं पता, टेस्ट के नाम भी नहीं पता, पर उन्होंने अभी बज रहे हैं 11 और उन्होंने बोला 2 बजे तक, अगले मतलब 11 से 12 एक दो तीन घंटे जो हमारे टेस्ट होने वाले हैं। पापा जाए, उन्होंने बोला था अलग अलग सारे, और मैं तुम्हारे साथ आ गई, पापा पता नहीं कहाँ है। उन्होंने पापा नीचे लेडीज दिख गई, कह रही मैं बाद में आता हूँ। पापा ढूंढ लो कहाँ है, पापा नीचे लड़के आ थी ना उनके साथ ही रुक गए, मैं बता हम तो आ गए ऊपर, पापा खो गए भाई, चेन्नई आके वो बिल्कुल बिगड़ गए हैं, पापा बदल गए, आप जाओ अलग से, आप अलग से, ओके बाय, और मैं अलग से। एक्सरे हो रहा है, एक्सरे है ना यहाँ, एक्सरे तो एक्सरे हो रहा है अंदर, एक्सरे हो रहा है अंदर। ओह और यहाँ क्या है, टीएमटी, तेरा टीएमटी, मुझे तो सिर्फ टीएनटी पता है, बूम, तेरा तो अभी टीएमटी हो रहा था, कैंसिल, नो टीएमटी, आपका ईसीजी करेंगे। ईसीजी के फुल फॉर्म बताओ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम गूगल पे पड़ा है भाई। एक्सरे मशीन, और यहाँ पे होगा हमारा एक्सरे, उन्होंने बोला मेरे को ऐसे करके खड़े होना है यहाँ पे, और निसांस रोकनी है, फिर ये क्लिक करेंगे। तो अभी सिटी स्कैन होने वाला है, वैसे आज तक मैंने कभी सिटी स्कैन नहीं करवाया, इसके अंदर हमें लिटाएंगे और ब्रीथ को होल्ड करना है, और 5 मिनट में आपकी पूरी बॉडी का स्कैन हो जाएगा, आपके सारे टेस्ट। टीएमटी रह रहा है, टीएमटी कर रहा है, बीपी बढ़ा हुआ है, मैंने कहा बल्कि रनिंग करके तो मेरा बीपी लो हो जाता है, सुबह करा था तो भी और 86 था, अभी उसने करा तो 128 और 90 था। मलन साहब गेट रेडी, आज पता चल जाएगा आपका कितनी आप वॉक करते हो ना। ये देखो ये मशीन है, इस पे इन्होंने भागना है, तो आज पता चल जाएगा कितना स्टैमिना है भागने का। ओके ओके, कैसा लग रहा है, तो गाइज अभी हमारी AIW के जितने भी रिपोर्ट्स आई थी उनकी सारी जांच पड़ताल हुई है, तो उन्होंने बोला कि कुछ कुछ चीजें हैं जो कंट्रोल करनी पड़ेगी, मुझे भी, मम्मी को भी और पापा को भी, और पापा को मैंने बोला है पापा करेंगे, मानेंगे नहीं मानेंगे, आपको उन्होंने बोला अपना ध्यान रखो, दर्दें तो आपके भी पूरी हैं, पर सारी रिपोर्ट्स मेरी अच्छी आई हैं, बेटर देन यू। मम्मी की रिपोर्ट्स हम तीनों से अच्छी हैं, मतलब मम्मी इज फिटर एंड हेल्दियर देन ऑल ऑफ अस, बाकी मतलब यार देखो है तो बहुत बढ़िया चीज, मतलब मेरे को ऐसा लगता है हर बंदे को करनी चाहिए, और देखना चाहिए कि उनके क्या रिपोर्ट्स हैं क्या नहीं। सारी मेरी अच्छी आई है, लेकिन दर्द सबसे ज्यादा मेरे ही है। तो मम्मी के इंटरनल पेन नहीं है, मम्मी के एक्सटर्नल पेन ज्यादा है। बाकी मैं तुम्हारे को यहाँ से व्यू दिखाता हूँ लीला का, ये देखो ये पूरा होटल, और ये देखो वो पूरा बीच है उधर, और पानी ही पानी, और यहाँ पर पूरा स्टाफ हेल्प कर रहा है। पापा आपका क्या बीपी टेस्ट हो रहा है, शुगर, पापा शुगर तो बहुत है, शुगर तो बहुत है, शुगर बहुत है, पापा तो कड़वे हैं,
यहाँ तो शुगर है नहीं। मम्मी कहना चाहती है पापा में मिठास कम है। मैं नहीं कहती। लड़ाई हो गई अभी आपकी और पापा की। मैंने अभी पता हमारी वो टीएमटी हुई थी तो 10-10 मिनट्स। टीएमटी क्या होता है बताओ सबको? ट्रेडमिल पे रनिंग। ट्रेडमिल पे हाँ, तो वो 10-10 मिनट्स करनी थी और 3 उसमें राउंड थे, तो मैंने तो 10 मिनट पूरे 3 राउंड करे, इन्होंने नहीं करे। तो मैंने पूछा कि आपने कितने मिनट करे, तो मेरे से नाराज हो गए, तू मेरी बेइज्जती कर रही है। ये बस ऐसे ही लड़ते रहेंगे। ओके, तो हमारे सारे टेस्ट आज हो गए हैं हार्ट के, टीएमटी, ईसीजी, ईको और 2-3 मॉल टेस्ट हुए हैं। और अब हम आए हैं लंच करने, लेकिन निश्चय और अभिषेक उनको नहीं खाना है, कह रहे हैं हमें भूख नहीं है, हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। तो मलन साहब को थोड़ा सा खाना था तो इसलिए हम आ गए। तो अभी मैं तो रूम में आ गई हूँ, निश्चय का अलग से सेशन चल रहा है, अभिषेक और मलन साहब का अलग से कुछ थेरेपी सेशन चल रहा है, क्योंकि उसके तो ये फिक्स करवाना है ना, मेरा कुछ अलग सी मेरी थेरेपी होने वाली है। Meanwhile, इस बायोलॉजिकल एज आ चुकी है और मैं सोच रहा था मैं हूँ 15-16 साल का, बट अभी वैसे मैं 26 साल का हूँ और मेरी बायोलॉजिकल एज आई है 51, मतलब मेरी बॉडी 51 एज की है। और पूरा उन्होंने बता दिया कितना वेट लूज़ करना है, क्या करना है, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं सारी चीज़ें ठीक करूँगा। और अभी यहाँ पर पोस्चर करेक्शन चल रहा है, तो आफ्टर एमएफआर पोस्चर स्क्रीनिंग हेड, योर हेड वेट 18.2 kg। हम जो खड़े होते हैं ना, पोस्चर वो बहुत ख़राब होता है, तो इन्होंने मेरा बताया कि मेरा पोस्चर जो है ना, यहाँ से मतलब मेरी गर्दन हमेशा थोड़ी सी आगे रहती है और मेरे नीज बेंड रहते हैं, तो उसको करेक्ट करने के लिए अभी हमने सारी एक्सरसाइजेस करी हैं और इन्होंने प्रेशर पॉइंट्स जो भी दवाए हैं बहुत क्रेजी है, उससे थोड़ा इंप्रूव हुआ है, बट ऐसे 8 सेशन लगेंगे मेरे को पूरा पोस्चर करेक्ट करने के लिए। तो गाइस, ये जो मशीन है ये एब्स की मशीन है, अगर मैं इसको फुल इंटेंसिटी पे 30 मिनट्स लगाऊंगा तो ये 11,000 क्रंचेस के बराबर है। इसने मेरे पूरे पेट की ऐसी की तैसी कर दी है, ऐसे धुड़ 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 हो रही है, गुदगुदी भी हो रही है, पर मज़ा भी बहुत आ रहा है। अगर मैं 20 दिन ये लगातार करूँ तो तुम्हारे बाइक की एब्स आ सकती है, समझ लो तुम। तो गाइस, अब हम निकले थे होटल से, नीचे आए थे क्योंकि अब हमारे को आगे जाना था। और पापा, आपको क्या लगता है हमें धोनी भैया मिलेंगे? धोनी भैया भाई देखो, बस यहाँ पर लग चुकी है CSK की और टीम नीचे आने वाली है, हम तो इंतजार कर रहे हैं, क्या पता हमारे को धोनी भैया दिखने को मिल जाए। अगर दूर से भी दिख जाए तो बहुत है यार। देखो टीम वहां से जा रही है, चेन्नई के सामने बोली जाऊंगा RCB जीतेगी, इस अलग कप नाम दे। पापा कह रहे लड़ाई करेगा भाई। देखो अपने को ना समझ नहीं आता, अपने को RCB को चाहिए कि कप जीत जाए, बट फिर सामने चेन्नई में धोनी है तो थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं यार। बट भाई सही है, धोनी भैया दिखा दो अगर मजा आ जाएगा आज तो। यो धोनी, धोनी देख लो भाई, ओ माय गॉड भाई भाई भाई, हेलो ओपी भाई, धोनी भाई देख लिया भाई, तुम्हारी कसम सारे इसलिए वेट कर रहे थे यहाँ पर कि धोनी भाई दिख जाए, एंड लिटरली भाई देखते ही ऐसा लग गया भाई गूज बम्स। चलो आज तो बस दूर दूर से देख लिया, बट वेरी सून ऐसे साइड में झप्पी पाके मिलना यार, वेरी सून, वेरी सून पक्का होगा, वो भी होगा भाई, जो चीज़ साथ होना तो लाइफ में वो चीज़ डेफिनेटली मिलती है। चेन्नई की टीम से भी लोग हेलो कर रहे हैं हमारे को, आए मतलब चेन्नई की टीम में भी कुछ लोग हमारे को जानते हैं, ये भी सही चीज़ है यार जिंदगी में। सबसे बढ़िया पता क्या सीन था, मैं ऐसे धोनी जी को देख के ऐसे कह रहा हूँ हाय कितने अच्छे, और वहाँ से चेन्नई सुपर किंग की टीम से बाकी लोग मुझे हेलो कर रहे हैं, मैं कहा हेलो, कह रहा हेलो हेलो, मैं कहा अच्छा मुझे जानते हो गया, चलो थैंक यू सो मच, आई लव यू गाइस। बट भाई सपना सपना सा लग रहा है यार, लव हिम मैन, लव हिम। यहाँ फुल पापा की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने की कोशिश करी जा रही है, इनकी सारी दर्दें निकालने की कोशिश करी जा रही है, और यहाँ मैं जो धोनी को देख के आया और मेरा मस्त वहाँ पर कर रहा है कि आओ भाई फिर से मिलो अभी। यार धोनी भाई, धोनी भाई लव यू भाई, भाई बात ही अलग है भाई, मजाक से हट गया मैं बता रहा हूँ, पर हाँ मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा मिलके, ऐसे दूर दूर से देखा और वो भी लक बाय चांस, तो अब चूल हो गई ऐसे साथ साथ मिलने की। मैं सोच रहा हूँ उनका रूम नंबर निकलवाऊँ और घंटी मार के बोलूँ हाउस कीपिंग और अंदर घुसूँ। गाइस फिर मेरी वीडियो बन जाएगी, आई स्नीक्ड इनटू MS धोनीस रूम, वायरल ऑन इंटरनेट कर सकता हूँ वैसे, मैं ये बंदा बुरा हूँ मैं। मजाक कर रहा हूँ, चलो जो भी है थाला ओपी, और अब हम मेरी यहाँ पर शोल्डर एक्सरसाइजेस चल रही हैं, बैक एक्सरसाइज चल रही है। पापा मजा आ रहा है? दर्द निकाली, दर्द डाली जा रही है। ज़्यादा दर्दें तो नहीं हो जाएंगी इसके बाद?
नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मजा आ गया। तो गाइस फाइनली आज का डे खत्म हो गया, अब इसके बाद हमारे को जाना है सोना लेने, बट पापा मना कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं सोना नहीं करूंगा। क्यों पापा? मेरे मशीन लगी हुई है। तो उन्होंने बोला मशीन कैन वर्क। नो नो नो, आपका खुद का मन नहीं है, सीधा बोलो। मेरा शुगर 63 रह गई है, 61 सॉरी। तो थोड़ा चीनी भी नहीं खाओ? अभी चॉकलेट खाई है, उसके बाद भी 73 है। तो अब आपको मुझे पता क्या चाहिए, आपकी दवाई क्या है पता है ना आपको? चाय। चाय विद शुगर। शुगर के साथ पापा? शुगर के साथ चाय ली है, उसके बावजूद आई थी 73 और उसके बाद सॉरी 91। यहाँ से ऑटो में चले पापा? वैसे लिक्विड लेनी चाहिए। यहाँ इनका ऑटो बढ़िया लग रहा है, डिफरेंट है कुछ। नहीं पैदल पैदल जाओगे तो उससे और शुगर कम होगी। हो शायद बिल्कुल होगी। तो फिर ऑटो में चलते हैं ना भाई? मैं तो चलना नहीं चाहता इसलिए बोल रहा हूँ, सुबह से लेकर रात तक ये भैया हमारे परेशान करते हैं। भैया भैया ए भैया क्यों, व्हाई यू डिस्टर्ब अस? नो भैया की स्माइल एकदम मस्त क्यूट ही है। और अब हम जा रहे हैं फिर से उसी होटल में जहाँ पर थाला आने वाले हैं। भाई यार देखो किस्मत देखो, थाला ओपी और अभिषेक ओपी दोनों एक होटल में। लेट्स गो बॉयज, लेट्स गो। क्या बात है ओ भाई, ये तुम तो कुकीज मांग रहे थे एक। मैंने भैया को वैसे बोला भैया, मैंने वैसे भैया आए, भैया कहते एनी थिंग यू नीड, मैंने बोला कुकीज खत्म हो गई अगर है तो ला दो। भैया कुकीज लेने गए। सौरभ भैया क्या क्या उठा के ले आया? फ्रूट बास्केट लाए आपके लिए, कुकीज भी लाया हूँ भर के, एक मिनट दीजिए कुकीज लाता हूँ। मुझे पता क्या लगा जब उन्होंने बोला व्हाट डू यू वांट, मनुष्य बोल देता लाइफ। Yes, yes, come in. ये आपके लिए, ये रूम के लिए और मैम के रूम पे भी। ओ हमारे लिए भी आई है, दो लाया हूँ। अरे बाप रे, वो तीन तीन कुकीज पड़ी हुई थी ना यहाँ पे कल से, भैया पूरा डब्बा भर के ले आया। लो मम्मी, तो तुम लोग कह रहे हो कि चार चार कुकीज है, वो ये खा जाता है, हमें। मैंने भैया को बोला, मैंने कहा भैया कुकीज ला दो, चार ही जगह जाते हो, डब्बा भर के ले। थैंक यू, थैंक यू सर। कौन सा फ्रूट है ड्रैगन? ये ड्रैगन, ड्रैगन फ्रूट। ये कैसे खाते हैं? इसको तो छील के खाते हैं वो तो। मैं काम कर रहा हूं, मैं छील के एकदम छील के पीसेस में। नहीं नहीं ऐसे नहीं खाया जाता, फ्रेश पहले भेजता हूं। ड्रैगन फ्रूट्स और एप्पल्स का थोड़ा एसोटेड फ्रूट्स का फ्रेश प्लेटर भेजता हूं। ओ क्या बात है। नहीं नहीं इतना मत करो, डिनर करने चले आएंगे ना। नहीं थोड़ा सा फ्रूट प्लेटर ड्रैगन फ्रूट आपको वो ट्राई करता हूं। तो अभी हम आए थे डिनर करने, तो मैंने कहा ये लाइव जो म्यूजिक चल रहा है ये क्यों ना एंजॉय किया जाए, इतना अच्छा लग रहा है ये, मतलब पानी के अंदर वो देखो ना, पानी के अंदर एक प्लेटफॉर्म बना रखी है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो लोग बैठे हुए हैं और उससे म्यूजिक बना रहे हैं। चलो बढ़िया चीज देख ली, बैठना चाहिए हमें थोड़ा सा। क्या अच्छा वो बजा रहे इंस्ट्रूमेंट्स, तो थोड़ा सा अप्रिशिएट कर लेते हैं हम भी। बढ़िया बना रखा है एकदम। कहीं भी चले जाओ ये देखो ये, बट डोंट इनके लिए मैंडेटरी है, मीठा लानी चाहिए बोलेंगे। और इनके ये खाने के चस्के, ये देखो यहाँ पे भी आके इनको गोलगप्पे खाने हैं। वो पूछ रहे हैं कि सर भल्ले पापड़ी, पापड़ी चाट या वो आलू टिक्की, तो कह रहे आलू टिक्की, तो इतने चस्के हैं। और वो दो जो हैं वो वहाँ पे उनको बच्चे मिल गए तो फोटो सेशन चल रहा है उनका। खाओ 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 खाओ, ये गई गई भैंस पानी में, ये यस हेल्थ कैंप है ये। बहुत अच्छा हेल्थ कैंप चल रहा है। आप पूरा मत भैया, बस एक एक स्पून। मैंने भैया को बोला, मैंने कहा भैया
सारे आइसक्रीम के जो फ्लेवर है ना इतना इतना सा एक बोल में ले आना भैया सारे आइसक्रीम इतनी सारी कटोरियां ले आए 8 बोल लेकर आया आइसक्रीम के चॉकलेट छोटे सारा लेके आया भैया आप ग्रेट हो यार तो गाइस 8 तरह की डिफरेंट डिफरेंट आइसक्रीम रख दी है निश्चय के आगे मैंगो क्योंकि छोटे से इसका पेट नहीं भर सकता भैया जी भैया अपने हाथ से खिला दो सारी बस सबका एक एक बाइट ट्राई करूँगा कैमरा ऑफ होते सारी अंदर आपको पता है आपको याद है Yes. This is your health camp. अभी सुबह की क्लिप होगी जिसमें ये बोल रहा था कि आज छोड़ दिया तो छोड़ दिया हाँ नहीं नहीं अभी तो कह रहा था कि खाना भी नहीं खाना नो राइस नो चपाती अब तो सिर्फ सब्जियाँ पर आइसक्रीम खा सकते हैं वो कोई बात मम्मी चेन्नई की बस आ गई फ्लेवर बेस्ट चेन्नई की बस आ गई अच्छा चेन्नई के प्लेयर आ गए इस टाइम धोनी भाई ओके तो आज बहुत सारे टेस्ट हुए हैं हमारे ऐसे ऐसे टेस्ट हुए हैं जिनका हमें पता भी नहीं है तो मलन साहब ये देखो ये शुगर की मशीन मेरे लगी हुई है जिसमें हर मिनट की बता रहा है शुगर कितनी जा रही है क्या खाने से मेरी शुगर बढ़ रही है माइन्यूट चीजों का ये ध्यान रख रहे हैं हर टाइप के टेस्ट हो रहे हैं फोकस कर रहे हैं कि भाई कैसे एक इंसान की लाइफ स्पैन बढ़ सकते हैं मतलब आप ज़्यादा कैसे जी सकते हो हमारी बॉडी वैसे जैसे मैं 26 साल का हूँ बट मेरी बायोलॉजिकल एज 51 है ऐसा इन्होंने बताया तो समझो मैं 26 साल का हूँ पर मेरी बॉडी की एज 51 है तो उसको कैसे कम कर सकते हैं जैसे अब रोनाल्डो है रोनाल्डो देखो कितना जवान है तो वो सारी चीज़ों पर फोकस होता है तो आई फील कि एवरीवन जिसको अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है तो आईवो पे कॉन्टैक्ट करें लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जाके आप लोग भी अपने बुक करें स्लॉट्स इश्क चेचना